अरे बेटा, क्या बात है? अरे पिताजी, ये खबर आई है कि राम मंदिर इस बार भी नहीं बनेगा। क्या? ए, इस बार भी नहीं बनेगा? ए भगवान, अब तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। धैर्य रखे पिताजी, राम मंदिर बनेगा। देखो बेटा, सिर्फ वादे पे वादे हुए हैं, राम मंदिर कभी नहीं बना। इसलिए तुम ये वादा करना कि राम मंदिर जरूर बनना चाहिए। चुनाव आ गया है और बेटा अभी लगता नहीं है कि कोई भी राम मंदिर बनाने को तैयार होगा, इसलिए सिर्फ वादे पे वादे होते रहेंगे, लेकिन बनवाना तो तुझे ही है। बनवा लेना बेटा, बनवा लेना। मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगा बेटा, तू समझ। मैं अपनी सारी जिंदगी लगा दी लेकिन राम मंदिर नहीं बना। अब तू कर दे बेटा, प्लीज कुछ कर दे। वादा कर बेटा कि तू राम मंदिर बनवा के रहेगा बेटा, राम मंदिर। भगवान, हे भगवान, हे भगवान। बेटा जी, आप तो समझ गए बेटा जी, मैं देख लूंगा बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी। ये आपको क्या हो गया बेटा जी? अपने मरे हुए पिताजी की कसम खा के कहता हूँ, राम मंदिर जरूर बनेगा। राम लला जरूर आएंगे, अयोध्या आएंगे, आएंगे ना, आएंगे ना। अभी तो सिर्फ बाटे हुए हैं, काम तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं प्रण करता हूँ कि जल्दी से जल्दी राम लला को लेकर भाग्यवान मैं निकलता हूँ। राम लला को लेकर ही वापस आऊंगा मैं। नहीं, अरे भाग्यवान, मुझे जाने दो। आपको अकेले जाने नहीं दूंगी मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपके हर कदम पे साथ दूंगी, सीता माता की तरह। अरे बेटा, मुझे भी ले चलो, मैं भी जाना चाहता हूँ दुखियारी, मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ। अरे माँ जी, आपने तो रामायण में राम लल्ला को वनवास भेज दिया था। थोड़ी सी शर्म बाकी है तो जाओ, राम लल्ला को अयोध्या लेने जाओ। जाइए, थोड़ी सी शर्म है तो जाइए ना, जाइए। अरे बेटा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ अयोध्या का? प्लीज मुझे ले चलो, प्लीज मुझे। अरे बेटा, मुझे भी ले चलो अयोध्या, मैं भी आना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ले चलो, प्लीज। अब बुजुर्ग हैं, प्लीज ऐसा ना करें, हमारे साथ चले अयोध्या, प्लीज हम आप सबको ले चलते हैं, जरूर ले जाएंगे, जरूर जाएंगे। अरे बेटा, मुझे भी ले चलो दो तीन दिनों के लिए, प्लीज बेटा, प्लीज मुझे भी, मैं भी तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ बेटा। इसी बहाने हम सबके पाप भी डूल जाएंगे और सब चलेंगे, बेड़ा पार कर लेंगे।